मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर चालू हो चुका है। जावरा विधानसभा 222 से कांग्रेस के प्रत्याशी के सिंह कालूखेड़ा के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष ज्योतिराज सिंधिया हेलीकॉप्टर से पिपलौदा पहुंचे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जिताने की बात कही एवं अनुरोध किया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को एवं शिवराज सरकार को चारों ओर से घेरते हुए पीपलिया मंडी में हुए गोलीकांड एवं किसान आंदोलन पर भी उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अन्नदाता पर गोलियां चलवाई हैं एवं शिवराज सरकार के हाथ खून से रंगे। साथ ही भावांतर योजना में भी उन्होंने कहा यह भी एक बड़ा घोटाला है, कई दिनों तक किसानों की फसल खरीदी नहीं होती है एवं पैसे भी खाते में 10 दिन बाद आते हैं, फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा। साथ ही जावरा शुगर मिल पर भी उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि यहाँ पर उद्योग डलवाएंगे, अभी तक कुछ नहीं करा पाए। कटनी में घोटाला करते हैं और वहाँ के SP का तबादला करवा देते हैं, हमारी सरकार आई तो सबकी जांच होगी एवं उचित से उचित सजा देंगे, साथ ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जाएगा सुरक्षा का एक्ट के साथ, ताकि दोबारा किसी मध्य प्रदेश की महिला के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए। महिला सुरक्षा बल में 50% वृद्धि करके हम देंगे, और अगर किसी भी पुरुष ने महिला को टेढ़ी नजर से देखा, उस पुरुष के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके हम लोग इंतजाम करेंगे। ताला आज भी लगा हुआ है, अब घोषणा वीर आएंगे जाएंगे। कहा था कि शुगर मिल की जमीन पर औद्योगिक केंद्र हम बनाएंगे, बना क्या? कहा था कि पिपलौदा में उप पंजीयन कार्यालय बनाएंगे, बना क्या? इन घोषणा वीरों की बोरी बिस्तर बांध के हमें 28 तारीख को रवाना करना। मैं घोषणा नहीं करता हूं, सिंधिया परिवार का मुखिया संकल्प लेता है, और एक बार आपको मैंने अपना वचन दे दिया तो हमारा सोच विचारधारा है कि जान जाए पर वचन न जाए।